दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रेवल डिस्टेंस में। मैं हूं अमर और दोस्तों इस समय मैं हूं कुबेरेश्वर धाम में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और आप में से कई सारे लोग कुबेरेश्वर धाम के बारे में जानते होंगे। जो भी प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनता है तो वो यहां के बारे में जानता होगा और कई सारे लोग यहाँ पर आए भी हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कुबेरेश्वर धाम कहाँ है, यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। और जो यहाँ पर आ चुके हैं ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो यहाँ नहीं आए हैं लेकिन आना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी हो उनके लिए भी है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, बस से, ट्रेन से या अपना पर्सनल व्हीकल से, क्या यहाँ पर साधन रहते हैं आने के लिए, रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम कितनी दूरी पर है, बस स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम कितनी दूरी पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। सबसे खास बात, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबेरेश्वर धाम शिव जी को समर्पित एक मंदिर बन रहा है जिसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की संस्था विटलेस सेवा समिति द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। कुबेरेश्वर धाम सीहोर शहर में है। इंदौर से चलने वाली या इंदौर की ओर जाने वाली लगभग सारी ट्रेन सीहोर पर रुकती है। सीहोर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से कुबेरेश्वर धाम की दूरी करीब 12 से 14 किलोमीटर है। यहां पर पहुंचने के बाद आप ऑटो द्वारा कुबेरेश्वर धाम पहुँच सकते हैं, जो कि आपको प्रति व्यक्ति 40 से 50 रुपये चार्ज लगता है। अगर आपके राज्य और शहर से सीहोर के लिए सीधी ट्रेन नहीं है तो आप भोपाल आ सकते हैं। भोपाल से सीहोर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। भोपाल पहुंचने के बाद आप सीहोर के लिए ट्रेन सर्च कर सकते हैं या बस द्वारा सीहोर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो आपको इंदौर भोपाल वाला हाईवे लेना होगा। दोस्तों इस समय मैं हूँ इंदौर भोपाल वाले हाईवे पर। जो ये रोड जो आ रहा है, इस रोड से हम इंदौर या देवास की ओर से आते हैं और सीधा यह रोड जो जाता है हमारे भोपाल की ओर निकल जाता है। और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद जब आप लेफ़्ट में टर्न लेंगे तो ये रोड सीधा सीहोर शहर के लिए निकल जाएगा। लेकिन हमें सीहोर शहर नहीं जाना होगा, हमें इसी रोड पे, आपको मैं इसे दिखा देता हूँ, इंदौर से जब आएंगे तो आपको ऐसा बोर्ड दिख जाएगा और फिर यहाँ से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये जो रोड जा रहा है जहाँ से ये कार आ रही है, इस रोड से हमें सीधे अंदर की ओर जाना है जहाँ कुबेरेश्वर धाम है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पड़ता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको सीहोर शहर में नहीं जाना। वहीं आप जब भोपाल से आएंगे तो भी आपको सीहोर शहर में नहीं जाना, सीधे आगे आना है 3-4 किलोमीटर, फिर वहाँ भी आपको ऐसे ही बोर्ड दिख जाएगा और वहाँ से आपको फिर थोड़ा सा टर्न लेके रॉन्ग साइड से आना होगा और आप सीधे इधर निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं सीधे। तो चलिए दोस्तों कुबेरेश्वर धाम पर हम पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अभी मंदिर कितना बन चुका है। कुबेरेश्वर धाम जो मेन मंदिर है उसके अलावा यहां और कौन कौन से मंदिर बनने वाले हैं और कितने बन चुके हैं। उसके अलावा भी यहां पर कुछ स्टे करने की कुछ अरेंजमेंट भी शायद से होने वाला है, कुछ भोजनालय भी बनने वाले हैं, तो वो सारी जानकारी अभी मैं आपको दूँगा। तो पहले हम अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यही वो मंदिर हम इसे कह सकते हैं या फिर एक सत्संग हॉल। अभी जो आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर पंडित जी जो कथा सुनाते हैं वो नीचे सुनाते हैं, वहीं पर अंदर नीचे ही व्यास गद्दी है, उसी पे बैठ के वो कथा सुनाते हैं। तो पहले हम अंदर चलते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं, फिर जो ऊपर चलेंगे हम, वहाँ पर अभी मंदिर बनेगा, राधा कृष्ण का मंदिर बनेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम नीचे चलते हैं। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, थोड़ा करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ धीरे आ रही हो। यहीं पे पंडित जी बैठ के जो कथा है वो सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पंडित जी वैसे यहाँ पर अभी 2 से 3 बजे आने वाले हैं, उसके पहले ही लोग इतने सारे यहाँ पर आके बैठ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मंदिर बन रहा है, और जो आपको सामने दिख रहा है वो मेन कुबेरेश्वर धाम है। अंदर कुछ गुफाएं बनी हैं, 2 से 3 अंदर गुफाएं हैं, अंदर हमको जाना होगा। वहाँ पर कुबेरेश्वर जो मेन मंदिर है, जहाँ पर उनका शिवलिंग है, वो वहाँ पर है, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। पहले हम यहाँ पर और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको इस मंदिर के जस्ट नीचे 8 कमरे दिख जाएंगे, और इसके बैक साइड पे भी 8 कमरे बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आते हैं वो स्टे करते हैं, जो कि निःशुल्क है। और सामने आपको जो रसोई घर दिख रहा है, अन्नपूर्णा सीता रसोई, यहाँ पर आप जो भी आपको डोनेशन वगैरह करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग कर ही रहे हैं, वहाँ पर जिसकी जितनी श्रद्धा रहती है उसके हिसाब से वो डोनेट कर देता है। और ऊपर साइड जो आप देख रहे हैं कमरे बने हुए, यहाँ पर लोग स्टे करते हैं जो भी बाहर से आता है, जो कि निःशुल्क है। और कुछ यहाँ पर भी बन रहा है, अभी एक्चुअल कह नहीं सकते कि ये भी स्टे के लिए बनेगा या वृद्धाश्रय बनेगा, वृद्धाश्रम जिसे कहते हैं वो बनेगा, क्या बनेगा अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, कोशिश करूँगा जानने की। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पूरा परिसर में एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। और जो सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों, वो गौशाला है, वहाँ भी हम चलेंगे। और इस साइड आपको कुबेरेश्वर धाम है तो वहाँ भी चलेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही है गौशाला, सामने आपको दिख रही है। तो हम अंदर चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि जहाँ भीड़ लगी है, यहाँ पर प्रसाद बट रहा है, जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। प्रसाद का एक प्रकार से एक भोजन ही है वो। तो मैं पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ अंदर गौशाला को। देख सकते हैं दोस्तों आप, गौशाला भी यहाँ बनी हुई है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गाय को कुछ खिला रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों,
जो भी दूर से आता है उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई भी किसी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर एक शेड बनाया हुआ है, यहाँ पर लोग बैठ के भोजन करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों, तो देखा दोस्तों आपने, मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो चुका है। आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको भीड़ भीड़ दिखाई देगी। तो मैं पहले कुबेरेश्वर धाम मंदिर में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और आपको भी कराता हूँ दोस्तों। तो सीधे हम वहीं चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक कुआं भी बनाया गया है जो बताते हैं कि इसका पानी एक औषधि का काम करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समीपत्र के पेड़ भी मिल जाएंगे, देखिए आप सामने देख सकते हैं कुछ पेड़ यहाँ है, और यहाँ पर आप लेडीज़ों को देख ही रहे होंगे पूजा करते हुए। और यहाँ से मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं। चलो चलो, क्या है ये, देखो इधर भी, ये इधर भी, इधर से ये जा रहा है, नहीं कहीं नहीं इधर जा रहे हैं ना। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, अंधेरा ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको कुछ कम दिखाई दे। नहीं पैदल पैदल ही ले चलो, ले चलो फिर ले चलो। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कुंड वगैरह बनाएंगे, अभी काम तो वैसे चल रहा है इस गुफा में भी अंदर। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। तो दोस्तों यहाँ से तो मैं आपको दर्शन करा देता हूँ जितने हो सकेंगे, फिर जब मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा तो आप यहाँ पर आके दर्शन करना। अभी दोस्तों आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर ही बैठ के लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना लोगों में उत्साह है इस मंदिर के लिए। दोस्तों इस गुफा के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और करीब से कराता हूँ, तो चलिए दोस्तों यहाँ से भी हम बाहर जाते हैं। तो दोस्तों यही सब कुछ था, अभी मंदिर में काम चल रहा है, हो सकता है कि एक आधे साल में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। और जो भी यहाँ पर थे
रखे, जैसे कि अन्नपूर्णा रसोई हुई, चाहे गौशाला हुई, और यहाँ पर स्टे करने के लिए जो भी अभी रूम अवेलेबल है वो भी दिखा दिए मैंने, जहाँ पर कथा करते हैं पंडित जी वो भी दिखा दिया, और पीछे साइड जो कुबेरेश्वर मेन मंदिर है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, अंदर गुफा के भी दर्शन करा दिए। और जब पूरी तरह मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यही सब कुछ था। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। सबसे खास बात, शेयर उन लोगों को ज़रूर कर देना जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखेंगे तो उनको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।